ऐ रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुजूल के सामान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ऐ रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ऐ रमजान। नाश्ते में क्या खाना है? दुकान पे आ गई हूँ मैं खरीदने के लिए। क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। फाइनली मैं बना रही हूँ अपने लिए अंडे का सैंडविच। तैयार हो गए आप? ट्यूशन का टाइम हो गया आपका? स्लीपर पहनो अपनी जल्दी से, उस तरफ रखी हुई है। शूज़ कहाँ नीचे है? शूज़ यहाँ पर है। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से मम्मा ने कितना चीज़ी पिज़्ज़ा बनाया। मजे का लग रहा है ये देखिए। आप लोग भी अपने घर पे जरूर बनाइएगा और बच्चों को घर का पिज्जा बना के दें। इधर बन रही है मेरी गुड़ वाली चाय, और चाय जो है वो उबल गई थोड़ी सी। इधर उधर मेरा ध्यान हुआ, इधर मैं बनाना शुरू करूँगी नाश्ता। गुड़ वाली चाय पिया करें आप भी, आदत बना लें कि चीनी छोड़ दें और गुड़वाड़ी उल्टी सीधी चीज़ें निकले जा रही हैं मुंह से। गुड़ वाली चाय पिया करें, गुड़ वाली चाय हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और चीनी जो है आपको पता है वैसे भी नुकसान करती है। तो चलो जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं। चाय मेरी बन चुकी है, फटाफट से चाय निकाल लेती हूँ। ये है मेरा फेवरेट कप, ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बच्चों ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। तो बच्चे मामा जिद करते हैं, मम्मा आप इसमें चाय नहीं पीती, मम्मा मैं आपको गिफ्ट दिया था आप इसमें चाय नहीं पीती हैं। तो भाई इसी में चाय पीनी पड़ती है, बच्चों ने गिफ्ट दिया है तो अपनी मर्ज़ी के कप में चाय पी नहीं सकते। अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर। और इसमें मैं रखती हूँ अपने लिए ये क्या कहते हैं इसको, मुझे बहुत पसंद है आइस बर्ग। तो चले जी खाना नाश्ता लगा लेते हैं। अब लैपटॉप छोड़ दो दफ़ा, हाँ बस उठ जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो। ये मेरी दवाइयों का डब्बा है, ये है मेरा नाश्ता, और मैं बैठूंगी अपनी पसंद जगह पे डाइनिंग टेबल के पास और विंडो की, इस वाली विंडो के पास जो मेरी फेवरेट जगह है। और बाकी सब जो है सारे बस यहाँ वहाँ टहल ही रहे हैं सब, काफ़ी देर हो चुकी है आज। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। चुलबुल पांडे ने खाना खा लिया। ये देखिए माशाल्लाह इसकी आइज भी खुलने लग गई हैं, ये देखें इसकी आइज भी थोड़ी थोड़ी खुल गई हैं, बस जल्दी बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको सेहत ज़िंदगी दे, जल्दी से बड़ा हो जाइए। इसके और दो बहन भाई हैं वो अपनी माँ बाप के पास ही हैं, इसको मैं पाल रही हूँ अपने लिए ताकि मैं इसको हैंड टेम करूँगी तो ये अच्छे से रहेगा। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ शाम में अपनी फेवरेट जगह पे, चिल्ले बैठी हुई हैं। यकीन करें आप यहाँ पर इतना सुकून मिलता है ना, जब मैं टेरेस में आ जाती हूँ थोड़ी सी देर खड़ी होती हूँ, थोड़ी हरियाली वगैरह देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेशनेस सी फील होती है। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है इस वक्त, देखें आप पौधे भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हरे हरे कितने प्यारे लग रहे हैं। मगरिब का टाइम भी करीब है और हो सकता है इंशाल्लाह आज चाँद नज़र आ जाए। उम्मीद है कि सब कह रहे हैं कि शायद आज का रोज़ा हो जाए, मतलब आज की सहरी हो जाएगी पहली, तो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी सहरी की रूटीन भी। चलो जी चाय बन रही है, यहाँ मैंने चाय रखी है, शाम का चाय नाश्ता शुरू। अब ये जो है वो फ्रूट चाट एज यूजुअल, तोता फिर शुरू हो गया आवाज़ सुनते ही मेरी। और ये समोसे हैं, उनका नाश्ता रेडी हो चुका है, मतलब दिल चाह रहा था हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए मेरे, तो उन्होंने जो है वो चाट और समोसे मंगा लिए, अब उनका वेट कर रहे हैं, वो नीचे गए आते तो फिर खाते हैं। सहरी की तैयारी शुरू करने लगे हैं अभी, माशाल्लाह से पता चला है कि चाँद नज़र आ गया है। तो अब मैंने चिकन भी गोई है, मैं सालन बना के रखूँगी कोरमा, और चने भी उबालने हैं मैंने, अब बाकी मैंने आटा गूंद रही हूँ इस वक्त ताकि सहरी के लिए अभी से सारी चीज़ें तैयार कर दूँ। एक हाथ से गूंदा भी नहीं जा रहा वीडियो बनाते हुए, इतना मिक्स तो कर लिया है, बाकी अब मैं इसमें ऑयल लगा दूँगी तो और ये ठहर जाएगा 10 मिनट तक। अब मामा क्या कर रही हैं? रोटी बना रही हैं। किसके लिए? पापा मेरे लिए। और पापा के लिए। और आप ही के लिए। कशान रोजा रखेगा? हाँ जी रोजा रखोगे? सहरी भी रखूंगा। सहरी रखनी नहीं होती, सहरी खानी होती है। सहरी भी खाऊंगा और रोजा रखना होता है, सहरी खानी होती है। चिड़ी रोजा रखूंगा। चिड़ी रोजा रखोगे? किस सालन क्या बनाऊं? सालन कोरमा। सही कोरमा बना रहे हैं। चलो पहले मैं रोटियां बना रही हूं।
कैमरा बंद कर दो। इस वक्त खाने में मैंने बनाया है गोभी आलू और मैंने चने रख दिए हैं कल के लिए उबालने के लिए, और सहरी के लिए मैं बनाऊंगी कोरमा। फिलहाल अभी खा रहे हैं हम लोग गोभी आलू और सादगी वाली रोटी। कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है मेरा और चने भी अब उबल चुके हैं। सेटिंग चेंज। यहाँ पे लगेगा कूलर। सेटिंग चेंज हो रही है। नहा लिए? फ्रेश हो गए? पूरी सेटिंग हो जाएगी फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:30। सेटिंग जो है अब देखें इस तरह से कर दी है क्योंकि कल सबने रोज़ा खोलना है यहाँ पर, तो अब सेटिंग जो है वो इस तरह से कर दी है। वो सामने विंडो पे कूलर आ जाएगा, कल यहाँ पे कूलर लगेगा गर्मी की वजह से। और अब बच्चे जो हैं वो सारे सो चुके हैं, अब सहरी में उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सुबह बखैर। इस वक्त हो रहा है सहरी का टाइम हो चुका है, इस वक्त मैं किचन में आ चुकी हूँ। अब मैं जो है अभी सब सो रहे हैं और खाना मेरा रेडी है, तो मैं जो है वो सहरी बनाने की तैयारी करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने कहा जल्दी से देर तक रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सबको उठाऊँगी। मेरे किचन का बल्ब इस वक्त मैंने जलाया हुआ है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 रमज़ान का चांद मुबारक और आज पहली सहरी मुबारक हो। चलिए जी मैं लाइटें ऑन कर लेती हूँ और फटाफट जो है सहरी बना लेती हूँ। इस वक्त बच्चे हस्बैंड सब सो रहे होते हैं, सिर्फ मैंने अपनी बेटी को अपने साथ उठा लिया था कि जल्दी से उठ जाओ, हम जल्दी से सहरी बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। मेरे ख्याल में 3 बज रहे थे, तो 1 घंटा पहले मैंने सहरी बनाना स्टार्ट की थी कि जब तक मैं सहरी बनाऊंगी तब तक बच्चे उठ जाएंगे। तो मेरे यहाँ सहरी में ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, शोरबे वाला सालन सब पसंद करते हैं, तो चिकन का कोरमा बना लिया था मैंने, और साथ मैंने जो है वो दही रख लिया था कि जिसको मीठा दही खाना होगा तो वो चीनी मिक्स करके दही खा लेंगे। तो ये सहरी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। दही चीनी दही मीठा दही खाएँगे, घी वाली रोटी। सहरी अब तैयार कर ली है और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सब लोगों को अगेन मेरी तरफ से चांद मुबारक, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान मुबारक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। मेरी बेटी को किसने डांटा है? रोशनी आ रही है जो, मेरी बेटी को किसने मारा? पापा ने? कोई मेरी पाली पाली बेटी को मारा है? पापा की तो पिटाई होगी अब। हाँ मेरा बेटा मामा भी नहीं बोल रहा सुबह से। हाँ मामा बोलो, क्या बात है? हाँ मामा बोलो, मेरा बेटा पाला पाला चीचू मेरा बेटा है। हाँ मामा का भी